कंटिन्यू करता हूँ। जब आप कर्योग की बात कर रहे थे, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की, सामान्य जिंदगी में ये ऋषि मुनियों का था, वो अपनी नाड़ियों को बैलेंस करते थे। सामान्य जिंदगी में भागदौड़ की जिंदगी है, इस पे इन नाड़ियों का उपयोग आदमी कैसे करे और क्या फायदे होंगे? जी, मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो ये लेफ्ट और राइट की जो हम बात कर रहे हैं, जिनमें चंद्र नाड़ी स्वर अगर ज्यादा चलती है तो बॉडी में ठंडापन बढ़ता है जी। तो उसे डाइजेशन में थोड़ा सा वीकनेस वहां पे महसूस होता है, और जिनका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है उनमें हाइपर होना थोड़ा दिखता है, या एसिडिटी दिखती है, बॉडी में गर्मी ज्यादा दिखती है, तो ये सारी चीजें इसमें है। एक मिनट रोक रहा हूँ, आदमी पता कैसे करेगा कि उसकी चंद्र नाड़ी चल रही है कि सूर्य नाड़ी चल रही है? तो सिंपल वे से, अगर हाथ को अगर हम सामने पकड़ेंगे और सांस को अगर छोड़ेंगे तो एक में कम एक में ज्यादा दिखेगा। अच्छा, तो ये एक तरीका है, या तो कोई एक मस्टर्स को उंगली से बंद कर दे और इसमें से एक दो तीन बार सांस ले और छोड़े, इसको बंद करके दो तीन बार ले ले, तो एक में काफी आपको खुलापन महसूस होगा और एक में हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। अच्छा, तो जो खिंचाव है इसका मतलब वो जो है काम नहीं कर रहा है, और जो काफी खाली है तो वो काम कर, जिसमें आसानी से हवा आसानी से आना जाना होगा, वो नाड़ी चल रही है, वो चल रही है। अब इसमें मेन बात ये है कि कुदरती जो रूल ये है कि आसमान में अगर सूरज है तो वो गर्मी पैदा करता है, तो उसके साथ अगर हमें बैलेंस होना है तो हमें ठंडा होता हुआ आना चाहिए। और रात में देखेंगे तो चंद्रमा है, रात का नेचर जो है वो ठंडा है, तो उसके साथ बैलेंस होना है तो हमें हल्का से गर्म होते हुए आना चाहिए। ये इसके ऊपर जो है हमारी इम्यूनिटी जो है ये डिपेंड है। इम्यूनिटी क्या बोलती है कि बाहर से अगर बैक्टीरिया आता है तो फाइट करने के लिए आपकी ताकत होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, तो इसमें ये स्वर विज्ञान क्या बोलता है कि जो भी कुछ हमारे में बदलाव होते हैं वो नेचर में होने वाले बदलाव से होते हैं। क्योंकि ठंडी बढ़ गई तो बॉडी ठंडी होती है, गर्मी बढ़ गई तो गर्मी बढ़ जाती है, तो हमें मिलाप जो करना है वो नेचर के साथ करना है। तो सिंपल में स्वर विज्ञान क्या बोलता है कि दिन में चंद्र स्वर आपका ज्यादा चले और रात में सूर्य स्वर आपका ज्यादा चले, तो ये जो है मेन जो है विज्ञान इस प्रकार से है। ठीक, अब जो आपने बातें कही कि दिन में चंद्र ज्यादा चलना चाहिए और रात को सूर्य चलना चाहिए, मैं कुछ चीजें आपकी और भी रिसर्च जब कर रहा था देख रहा था, तो आप इसको खाने पीने से और सोने से भी जोड़ देते हैं जी। तो ये स्वर जो चल रहे हैं उसका खाने पीने और सोने से कैसे संबंध बनेगा? क्योंकि देखिए, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, सूर्य स्वर जब चलता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होता है, उस समय में हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेशन होता है। इसे योग शास्त्र क्या कहती है, इसे जठराग्नि कहती है। Okay. और इसे हमने यज्ञ का जो है स्वरूप भी उस प्रकार से उसमें दिया गया है कि ये हमारा यज्ञ है, ये अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, जो हमारा मतलब पेट है वो यज्ञ है, यज्ञ अग्नि है, अग्नि है। अब आप ही मुझे बताइए, क्या अग्नि में आप आहुति डालेंगे या पानी डालेंगे? आहुति डालना होगा, आहुति डालेंगे। अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा? बुझ जाएगा। इसलिए स्वर विज्ञान क्या बोलता है कि सूर्य स्वर में पानी ना पिए, वो भोजन का समय है। अच्छा, सूर्य स्वर में पानी नहीं पीना है। हाँ, मतलब अगर राइट नाक चल रही हो तो उस समय अपने को जल नहीं लेना, पानी नहीं पीना है। हाँ, उस समय आप भोजन कर सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सलाद ले सकते हैं। अच्छा, कोई भी चबाने वाली चीज जो है आप उस स्वर में ले सकते हैं। पानी डालेंगे तो आपको जो है यहाँ पे क्या होगा, गैसेस बनता हुआ दिखेगा, आपका डाइजेशन स्पॉइल होता हुआ दिखेगा, आपका पेट फूल जाएगा, तो ये वाली सारी जो दिक्कतें हैं आपको उसको देखते हुए आपका महसूस होगा। और चंद्र स्वर जो है ये शीतल है, बराबर है। उसमें अगर आप खाना डालेंगे तो शीतलता में तो खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम होने के लिए आप में अग्नि चाहिए। इसलिए चंद्र में जो है आप पेय पदार्थ सारे जो लिक्विड कंटेंट वाले जो है, जैसे कि आप सूप ले सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, किसी फ्रूट का जो है पतला सा जूस लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसको आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और तीसरा जो आपने सोने के साथ जो बताया, तो पुरातन वे से आप ये देखेंगे तो बहुत से लोगों को आपके दादाजी है या परदादाजी है, उनसे आपने सुना भी होगा कि रात को सोते समय कैसे सोए, तो आपने भी सुना होगा जी। तो आप ही बताइए कि रात को जनरली क्या बोला जाता है कि रात को किस प्रकार से सोए? अक्सर बोलते हैं कि बाएं करवट सोना चाहिए, वो तो क्या खाना ना पसता है वो क्या लिए बोलता है, तो बाएं करवट पे सोने के लिए बोलते हैं। तो बाएं करवट पे जब आप सोते हैं तो ये बाएं साइड में जब प्रेशर गिरता है, जैसे कि हमने डंडे की बात की थी,
था। उसी प्रकार से साइड में प्रेशर गिरता है तो हमारा सूर्य स्वर ये ज्यादा चलता है। और आसमान में अगर देखेंगे तो रात का नेचर ठंडा है, ठंडा है, तो उसके अपोजिट में सूर्य स्वर हमारा ज्यादा चलना चाहिए। तो इसलिए रात को जो है बाई करोट पे सुलाने के लिए बोला जाता है। और हम जो भी वर्कशॉप वगैरह जो कंडक्ट करते हैं तो क्योंकि बहुत सारी जो है हमें चीजें मालूम नहीं होती, कैसे करना है क्या करना है पता नहीं होता, तो फिर एक 10-15 दिन हमको हमारे साथ रखते हैं और एक एक चीज उनसे करवा लेते हैं। तो इस प्रकार से ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है कि हमारा खान पान कैसे कौन से स्वर में हो, पानी पीना कौन से स्वर में हो, और दिन में कौन सा स्वर चले और रात में कौन सा स्वर चले। चलो रात की एक बार सोने की बात तो समझ में आ गई है कि रात को सो रहे हैं तो हमको बाय करवट सोना है। अब जो खाने पीने का आपने बोला और डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लगभग 90 मिनट 60 मिनट में स्वर बदल जाते हैं, तो आदमी कैसे पता करेगा कि वो खाना कब है और पीना कब है? जल्दी ध्यान नहीं रहता। नहीं, जब ये प्रैक्टिस करते जाते हैं तो अपने आप सारी नाड़ियां सेट हो जाती है। नाड़ियां सेट, आदमी को लगभग अपना नाक से हवा छोड़ के पता करना पड़ेगा कि पता करना पड़ेगा नहीं पीना है। और थोड़े से 8-10 दिन अगर आप गौर करके देखेंगे तो जैसे ही आपको भूख लगी आप खाना खाते उस समय देखेंगे तो आपका सूर्य स्वर होता ही है। बट जनरली जो है कि लोग खाना खाते समय पानी पी के जो है ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। और उसमें एक खासियत बात अगर आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है कि जो खाना खाते समय पानी पीता हो, सिवाय इंसान। बड़ी भी बात सही है, बिल्कुल सही बात बोले आप। हाँ, प्रकृति में शायद कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो खाना खाते वक्त पानी पीता हो, केवल एक सही बात इंसान को छोड़। इंसान छोड़ के कोई भी इतने एनिमल नहीं है कि जिनके पेट हमारे